हेलो गाइस, वेलकम बैक द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कल होने वाला है 20 रोजा पूरा, आज 19 होगा और कल शाम में 20 रोजा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे यहां क्या है, जब 20 रमजान पूरा हो जाता है तो फिर 21वीं रात जागी जाती है। तो कल से बच्चे रात जागेंगे, हम लोग भी जागेंगे। तो बच्चों का प्लान है कल कुछ स्पेशल बनाया जाए रात में। तो अभी हम सब बच्चे मिलकर वही प्लानिंग करने वाले कल क्या बनेगा। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, देखो आम उस दिन और छोटा था, आज आया तो आज तो और बड़ा हो गया है। खाने का तो दिल कर रहा लेकिन नहीं खा सकते ना। काहे नहीं खा सकते हैं? क्योंकि रोजो है। और ये हमारी बच्चा पार्टी। तो बताओ भाई, डिसाइड करो कल क्या बनेगा। क्या पुलाव कौन सा बनाए बताओ? फिर वेज रखेंगे या नॉन वेज रखेंगे? नॉन वेज रखेंगे। तब नॉन वेज में किसका बनाए फिर? चिकन का, मतलब बकरे वाला। बकरे का भी चिकन होता है भाई, सुन लो। तो नॉन वेज में क्या रखेंगे, मतलब मटन चिकन या और कुछ? बहुत सारे एग भी है ना, अंडा भी तो है। अंडे का रखेंगे तो अंडे का पुलाव, अंडा आलू, अगर मटर मिल गया तो मटर भी डालेंगे, ठीक है। अंडा आलू मटर का पुलाव, और अगर नहीं हुआ तो फिर आलू अंडे की बिरयानी कल ये बनेगी। सारे तैयार है ना, रात में आज होने वाला है। ये तो आप वीडियो सुबह देख रहे हैं ना, लेकिन ये प्लान आज रात है, मतलब ये कार्यक्रम पूरा हम लोग का रात में होगा। मतलब जागने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना ही है, जागने का मतलब ये होता है इबादत भी करो, नमाज पढ़ो, ठीक है, इबादत पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो। अब ऐसा थोड़ी कि बस जागने की रात हो तो बस बनाओ और खाओ और हो गया, उसके बाद जाके सो जाओ, ऐसा नहीं है। इबादत की रात है, लेकिन फिर भी बच्चों के हौसले के लिए हम लोग थोड़ा कुछ बनाएंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे और मस्जिद में इबादत भी होगी। तो डन करते हैं ना इसी पे। चलो ठीक, हम लोग जा रहे हैं अभी इफ्तारी लेने। और ये देखो हमारे गाँव के डॉन, ये देखो हमारे सब्बू भाई, कहाँ चले हो? आम की रखवाली करने आ गए। फाइनली इफ्तारी भी लेके आ गए, इफ्तारी भी हो गई और अभी बजने वाला 7:15। इफ्तारी हो गई, नमाज भी पढ़ लिया भाई, सुकून मिल गया। और अभी जा रहा हूँ बढ़िया चाय पीने, क्योंकि जब से रमजान चालू हुआ बढ़िया गया नहीं, फर्स्ट रमजान को गया था। तो आज हम लोग जा रहे हैं चाय पीने बढ़िया, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो जाना है, तो भी जल्दी जल्दी निकलते हैं बढ़िया। हम लोग बढ़िया पहुंच चुके हैं, अभी चाय हमने ऑर्डर की है, चाय की चाय की चिस्की लेनी है। ये इफ्तारी के बाद जो चाय की चिस्की होती है, रानी चाय बढ़िया पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। और अभी एक हेडफोन भी लेना है अपने मोबाइल के लिए, एक हेडफोन भी लेता हूँ। और जो मोबाइल वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, एक नया मोबाइल है अभी मेरा भाई है, बड़ा भाई, ये मोबाइल हम लोग अभी एक्सचेंज करने वाले। रिसेंटली एक साल हो गया भैया, हेडफोन दे दो, पानी पहले। और ये आ गई देखो हमारी चाय, चाय उठाओ, चाय उठाओ। ए बिलाल चाय ले, चाय लेते भाई। सर तू तो पिया हो ना भैया? भाई ईरानी चाय है ना, ईरानी चाय, ये पूरे दिन की पहली चाय है। ईरानी चाय पिया था लेकिन इस बार ईरानी चाय आ गई भैया। तो देखो अभी खाली नहीं हुआ पूरा, उसमें भी है थोड़ा सा, देखो भाई 14 घंटे बाद तो हाथ में चाय मिली। चाय के मुक्कड़ है, चाय की पहली चिस्की जो है ना, जो मजा देती है वो किसी और चाय में नहीं है, इफ्तारी के बाद खास। मजा आ गया भाई। अच्छा ये मेरे भाई भाई जान, मैं क्या है ना, असल में मैं पटियाला रहता था, तो वहाँ इतने से आदत नहीं है भाई जान पीने की, वो लोटा भर के चाहिए। ये जितना मिल रहा है वहाँ उतना हम छोड़ देते थे भाई जान चाय। अच्छा लोटा भर के आदत नहीं है भाई जान, बाकी लोग इसने बेइज्जती कर दी भाई। मतलब ये लोटा भर के चाय पीने वाले हैं देखो। हाँ यूपी में, और हम भाई हम लोग जो है ना सिर्फ ये छोटा सा ग्लास है हमारा, हम इसमें चाय पीने वाले हैं। भैया एक हेडफोन दे दो, लालो एक हेडफोन दे दो, बनाना स्टार्ट किया है। एक हेडफोन अच्छा ये वाला दे दो यार, ये टाइप का हेडफोन मैंने यूज नहीं किया, ये काफी कॉस्टली है भैया, कभी जिंदगी में नहीं यूज किया मैंने यार, वो नहीं सही है भाई। हम लोग सस्ता हेडफोन लेके इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसके बारे में सर थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? ये सस्ता हेडफोन है 20 रुपए वाला, हमारे नसीब में यही है, हमारी किस्मत में ये सस्ता वाला ही हेडफोन है। लेके जाओ सिर्फ 15 दिन में ही जल्दा खराब हो जाता है। ये भाई साहब को बोला था यार नेकबैंड वाला दे दो, वो तो देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। ट्राई
चलो ठीक है ये ट्राई करता हूँ। आपको 300 रुपये क्या क्वालिटी रहेगी सर इसकी? मतलब लोकल हेडफोन जैसा होता है ना वैसा ही है, कुछ खास नहीं है लेकिन लोकल तो बेस वगैरह नहीं। 20 रुपए का हेडफोन कैसा होगा? 20 रुपए का हेडफोन 20 में तो भाई उसके वो पिन नहीं आते हैं। 50 रुपए नहीं तो क्या मोहम्मद? वो मेरे भाई वो उसको कवर दो यार मोबाइल का, जल्दी निकालो, इसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे ना। और बाकी आपको याद होगा ना घड़ी यहीं से लेके गया था लास्ट टाइम, इनसे झगड़ा भी हो गया था घड़ी के चक्कर में। ठीक है, ये भाई साहब मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, लोकल घड़ी देके मुझसे 600 रुपये ले लिया था उन्होंने, 250 रुपये की घड़ी देके और 600 रुपये ले लिया था मुझसे। बाद में हालांकि घड़ी फिर चेंज करके दिया, घड़ी अच्छी अभी चल रही है फिलहाल, अभी चल रही है घड़ी, अच्छी चल रही है। बाकी लौंडा बहुत तरक्की कर रहा है भाई, मेरा बड़ा भाई है माशाल्लाह, बहुत तरक्की कर रहा है, देखो दुकान में भरा है पूरा माल। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे भी यहाँ रख ले यार, नौकरी पे नहीं रख रहा क्या करूँ। देखो ये कवर मिला, देखो व्हाइट कलर का, कंपनियां पतले का प्रमोट करते हैं आप, ये मिला है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आर पार नजर आ रहा ना सब, और मैंने देखो लिया था लास्ट टाइम थोड़ा सा ब्लैक है, बाकी अंदर ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, बाकी ठीक है, अगर गिरा तो कुछ होगा नहीं मोबाइल को, देखो कुछ नहीं होगा, देखो चाहे पटक दो जोर से पटक दो ऐसा, देखो पटको ये वाला पटकेंगे तो इसको और कुछ नहीं होगा। ये देखो सब मजबूत है फिलहाल, अब बस फटाफट अभी नमाज का टाइम होने वाला, हम लोग फिर भागेंगे यहाँ से। होप करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।